तो अगर आप भी जो है 2023 में एक न्यू बाइक लेना चाहते हैं और इन दोनों बाइक में अगर कंफ्यूज हैं तो आप जो है इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लें, आपका भी जो है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो हाय एवरीवन, सामने अपने प्रेजेंट है SP125 जो कि अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है 2023 में। इधर आप लोग देख सकते हैं स्प्लेंडर प्लस। इस वीडियो में जो है दोनों बाइक में हम लोग डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं, दोनों में जो है प्राइस में कितना डिफरेंस है, माइलेज दोनों में कैसा है, परफॉर्मेंस आपको जो है किस में बेटर मिलेगा और आपके यूजेस के अकॉर्डिंग जो है आपको इन दोनों में से कौन सा बाइक लेना चाहिए, सारा कुछ जो है आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो अगर आप भी जो है 2023 में एक न्यू बाइक लेना चाहते हैं और इन दोनों बाइक में अगर कन्फ्यूज हैं तो आप जो है इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लें, आपका भी जो है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले जो है इन दोनों बाइक्स का आप लोगों को प्राइस बता देते हैं। ये आप लोग अभी SP125 देख रहे हैं जो कि BS6 फेज 2 अपडेट के साथ है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं E20 का स्टिकर आपको यहाँ पर दिया गया है जो कि ये बाइक E20 को भी सपोर्ट करता है। OBD2 सेंसर आपको इसमें मिलता है और काफ़ी सारा जो है इस बाइक में अपडेट भी हो चुका है। रेयर का टायर जो है मोटा हो चुका है, काफ़ी न्यू जो है इसमें ग्राफिक्स आ चुका है, काफ़ी न्यू इसमें जो है चेंजेस हुआ है। और इधर जो है स्प्लेंडर प्लस, इसका जो प्राइस है 88,000 के अप्रॉक्स में जा रहा है ऑन रोड प्राइस, जो कि ये प्राइस मैं आपको जामताड़ा झारखंड का बता रहा हूँ। और ये जो SP125 है इसका प्राइस जो है 1,07,500 के अप्रॉक्स में जा रहा है। ये भी प्राइस जो है मैं आपको जामताड़ा झारखंड का बता रहा हूँ, जो कि स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। दोनों बाइक में जो है 19,000 का डिफरेंस है, मिनिमम जो है 19,000 का डिफरेंस है। और अगर आप इसका जो है ड्रम ब्रेक वाला मॉडल लेते हैं तो 2,000 सस्ता पड़ता है, मतलब 1,05,500 के अप्रॉक्स में जो है उसका ऑन रोड प्राइस जाता है। और स्प्लेंडर में जो है आपको डिस्क ब्रेक का कोई ऑप्शन नहीं मिलता, इसमें जो है आपको ड्रम ब्रेक ही दिया गया है। ऑन रोड प्राइस जो है आप लोगों को बता दिए, आप जो है आप लोग माइलेज देख सकते हैं। माइलेज जो है इसमें आपको ये 125 cc का है तो इसमें आपको जो है 60+ माइलेज मिलेगा। और ये जो है आपका स्प्लेंडर प्लस 100 cc का बाइक है तो इसमें आप जो है 70+ आसानी से माइलेज निकाल सकते हैं। आप जो है इंजन की बात कर लेते हैं तो इसमें जो है आपको 97.2 cc का इंजन मिलता है जो कि पावर जनरेट करता है 8.02 PS, टॉर्क जो है 8.05 Nm के अप्रॉक्स में जनरेट करता है। 4 स्पीड का जो है इसमें आपको गियरबॉक्स मिलता है तो टॉप एंड का परफॉर्मेंस जो है इसमें आपको बेटर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम लोग SP125 की अगर बात करें तो इसमें जो है आपको 123.94 cc का इंजन मिलता है जो कि पावर जनरेट करता है 10.87 PS, टॉर्क जो है 10.9 Nm के अप्रॉक्स में जनरेट करता है और इसमें आपको जो है 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है। तो टॉप एंड का परफॉर्मेंस इसमें आपको बेटर मिलेगा, इंजन भी इसमें बड़ा है और जो इनिशियल पिकअप है वो आपको इसमें ज़्यादा मिलने वाला है, इसमें आपको जो है इनिशियल पिकअप कम मिलेगा। लेकिन ये बाइक भी जो है अंडर रेटेड नहीं है, इसमें भी आपको जो है 100 cc के मुकाबले काफ़ी अच्छा पावर मिलता है। और स्प्लेंडर जो है एक लेजेंडरी बाइक है तो इसमें आपको परफॉर्मेंस ख़राब नहीं मिलने वाला है, लेकिन SP125 से इसमें थोड़ा आपको जो है कम परफॉर्मेंस मिलेगा। अब जो है इसका आप लोग टैंक देख सकते हैं, इसमें जो है आपको 9.8 लीटर का जो है फ्यूल टैंक मिलता है, काफ़ी अच्छा जो है इसका डिज़ाइन है, सिलिक सा आपको डिज़ाइन मिलता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं हीरो का जो है स्टिकर आपको दिया गया है। और ये आप लोग को वेरिएंट में बता देता हूँ, ये जो है i3s विथ सेल्फ स्टार्ट वाला वेरिएंट है। इसमें आपको जो है काफ़ी सारा वेरिएंट्स का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन अगर आप जो है SP125 लेते हैं तो इसमें जो है आपको दो ही वेरिएंट का ऑप्शन मिलता है, एक जो है ड्रम ब्रेक, एक जो है डिस्क ब्रेक। तो ये जो है इसका डिस्क ब्रेक है, 240 mm का जो है इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है। अगर आप इसका ड्रम ब्रेक वाला मॉडल लेते हैं तो 130 mm का जो है आपको फ्रंट में ड्रम ब्रेक मिलता है। टायर सेक्शन आप लोगों को दिखाते हैं, इसमें जो है आपको 80x100 सेक्शन का टायर मिलता है फ्रंट में, जो कि 18 इंच के अलॉय व्हील पे माउंट है। ब्लैक कलर का जो है इसमें कंपनी अलॉय व्हील प्रोवाइड कर रही है। स्प्लिट में डिज़ाइन है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो है लुक निकल के आ रहा है। मडगार्ड आपको फाइबर का मिलता है, दोनों तरफ रिफ्लेक्टर दिया गया है। फ्रंट में इसमें जो है आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। अब हम लोग अगर स्प्लेंडर प्लस की अगर बात करें तो इसमें भी जो है आपको फ्रंट में 80x100 सेक्शन का टायर मिलता है, जो कि 18 इंच के अलॉय व्हील पे माउंट है। इसमें भी आपको ब्लैक कलर का अलॉय व्हील दिया गया है, लेकिन इसका जो अलॉय व्हील है ये आपको सिंपल डिज़ाइन में मिलता है। इसमें आपको स्प्लिट में अलॉय व्हील नहीं दिया गया है, जो कि आपको SP125 में स्प्लिट में अलॉय व्हील दिया गया है। फ्रंट में इसमें भी जो है आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। दोनों बाइक में जो है आपको CBS सिस्टम दिया गया है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम, जो कि होंडा इसको CBS सिस्टम कहता है। हीरो की अगर बात करें तो हीरो जो है उसको IBS सिस्टम कहता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि दोनों सिमिलर है। इसका भी आपको मडगार्ड जो है फाइबर का दिया गया है, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है राउंड शेप में। फ्रंट में जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है वो आप लोगों को दिखाते हैं।
अगर आप जो है SP125 का इग्निशन को ऑन करते हैं तो इसका जो है हेडलाइट ऑन हो जाता है, जो कि इसमें आपको फुल्ली LED लाइट का सेटअप मिलता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं रिफ्लेक्टर बेस्ड जो है इसमें आपको LED लाइट का सेटअप दिया गया है। ये जो है इसका हाई बीम है, यहाँ पर लो बीम मिल जाता है। LED का आपको यहाँ पर एक ब्रांडिंग भी दिया गया है। काफ़ी एग्रेसिव जो है लुक फ्रंट से निकल के आ रहा है, काफ़ी मस्कुलर जो है इस बाइक का डिज़ाइन है। इंडिकेटर आपको हेलोजन में मिलता है, होंडा का यहाँ पर ब्रांडिंग दिया गया है। इसका इग्निशन को हम लोग बंद कर देते हैं और अभी आप लोग इधर देख रहे हैं स्प्लेंडर प्लस, इसका अभी हम लोग इग्निशन को जो है ऑन कर लिए हैं। तो इसका आप लोग देख सकते हैं बल्ब वगैरह इसमें जलता नहीं है, क्योंकि इसमें जो है आपको रिफ्लेक्टर में हेडलाइट का सेटअप मिलता है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिया गया है बल्ब में और इसका कवर जो है आपको येल्लो में मिलता है। ब्लैक कलर का वाइजर है, काफ़ी अच्छा इसमें ग्राफिक्स दिया गया है रेड कलर में। यहाँ पर आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस का जो है स्टिकर दिया गया है। नंबर प्लेट आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जो कि ये बाइक थोड़ा पुराना है उसके वजह से इसमें जो है नंबर प्लेट आपको दिख रहा होगा, और ये जो है अभी न्यू लॉन्च हुआ है उसके वजह से इसमें अभी तक नंबर प्लेट आया नहीं है। अब जो है आप लोगों को साइड प्रोफाइल से बाइक का लुक दिखाते हैं। काफ़ी अच्छा जो है लुक निकल के आ रहा है दोनों बाइक का। इसका जो है टैंक आपको 11 लीटर का मिलता है, काफ़ी मस्कुलर टैंक है आप लोग देख सकते हैं। स्प्लेंडर में जो है आपको काफ़ी स्लिक सा डिज़ाइन मिलता है, लेकिन इसका टैंक काफ़ी मस्कुलर है, काफ़ी एग्रेसिव लुक में जो है आपको इसका टैंक मिलता है। टैंक काउल का भी यूज किया गया है, टैंक काउल जो है आपको फाइबर में मिलता है। इसका टैंक जो है आपको मेटल का दिया गया है। यहाँ पर आपको होंडा का जो है 3D में लोगो दिया गया है। काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं E20 का स्टिकर आपको दिखाई दिए हैं। फ्यूल कैप आपको यहाँ पर मिलता है सिल्वर कलर में। डिजिटल में जो है इसमें आपको मीटर कंसोल मिलता है। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारा आपको इसमें इन्फॉर्मेशन पता चलता है। फ्यूल गेज दिया गया है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, यहाँ जो है आप टाइम देख सकते हैं, गियर पोजिशन इंडिकेटर दिया गया है। ट्रिप वगैरह आप इसमें जो है देख सकते हैं, रियल टाइम माइलेज को आप इसमें देख सकते हैं। काफ़ी सारा आपको इसमें इन्फॉर्मेशन मिलता है। अगर हम लोग स्प्लेंडर प्लस को देखें तो इसमें जो है आपको एनालॉग में जो है मीटर कंसोल मिलता है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर दिया गया है, यहाँ जो है आपको ओडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पर जो है आपको फ्यूल गेज दिया गया, न्यूट्रल का लाइट, इंजन लाइट, यहाँ साइड स्टैंड के लिए लाइट, i3S का लाइट दिया गया है, जो कि इस बाइक में काफ़ी अच्छा एक फीचर्स है i3S टेक्नोलॉजी का। लेकिन अगर आप SP125 को लेते हैं तो इसमें आपको i3S टेक्नोलॉजी नहीं मिलता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं सेल्फ स्टार्ट दिया गया है, साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पर किल स्विच मिल जाता है। इसका जो है हम लोग एक बार एग्जॉस्ट का साउंड भी सुन लेते हैं। इस बाइक में जो है आपको साइलेंट स्टार्ट मिलता है। तो इसका एग्जॉस्ट का साउंड कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी हम लोग स्प्लेंडर को स्टार्ट कर लेते हैं, इसमें आपको यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट दिया गया है। दोनों में से आपको किसका साउंड बेटर लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। सीट आप लोग देख सकते हैं, सीट जो है स्प्लेंडर प्लस में आपको ज़्यादा कंफर्टेबल मिलता है, और लेंथ वाइज भी जो है इसमें आपको सीट जो है चौड़ा दिया गया है, लंबा ज़्यादा मिलता है। लेकिन SP साइन में जो है आपको हल्का छोटा सीट मिलता है, लेकिन इसका जो चौड़ाई है ये आपको जो है स्प्लेंडर प्लस से ज़्यादा मिलता है। तो इसमें भी जो है कम्फर्टेबल जर्नी कर सकते हैं राइडर और पिलियन। साइड प्रोफाइल में देख सकते हैं SP125 का काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स दिया गया है। इधर जो है आपको स्प्लेंडर प्लस का जो है 3D में स्टिकर मिलता है, i3S का ब्रांडिंग दिया गया है। 4 स्पीड का इसमें गियरबॉक्स है, उसमें 5 स्पीड का गियरबॉक्स है। दोनों के साइड स्टैंड में जो है आपको इंजन कट ऑफ सेंसर मिल जाता है। कवर्ड में चैन सिस्टम दिया गया है, मेटल का गार्ड मिल जाता है, लेडीज़ के लिए फुटरेस्ट दिया गया है। ट्विन शॉक एब्जॉर्बर जो है इसमें आपको रेयर में मिल जाता है। इस बाइक में जो है एक एडवांटेज है, इसमें आपको जो है कैरियर दिया गया है स्टील का, जिसमें कि आप जो है 30 से 40 किलो का वेट जो है ईजिली कैरी कर सकते हैं। रेयर प्रोफाइल से लुक दिखाते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं टेल लैम्प जो है इसमें आपको हेलोजन में मिलता है, इंडिकेटर हेलोजन में दिया गया है। यहाँ आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं। यहाँ जो है आपको फाइबर का जो है मडगार्ड मिलता है, रिफ्लेक्टर दिया गया है। यहाँ आप लोग SP साइन में देख सकते हैं, इसमें भी जो है आपको कवर्ड में चैन सिस्टम, ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है। यहाँ आपको एक फाइबर का जो है गार्ड मिल जाता है, लेडीज़ फुटरेस्ट मिल जाता है। रेयर से जो है इसका व्यू आप लोग देख सकते हैं। टेल लैम्प जो है आपको हेलोजन बल्ब में मिलता है, इंडिकेटर भी आपको हेलोजन बल्ब में दिया गया है। होंडा का ब्रांडिंग है। यहाँ आपको नंबर प्लेट का लाइट, यहाँ रिफ्लेक्टर दिया गया, आप नंबर प्लेट यहाँ लगा सकते हैं। फ्लेक्सिबल में जो है यहाँ पर आपको मडगार्ड दिया गया है। अब जो है रेयर टायर सेक्शन देख लेते हैं, जो कि होंडा ने अभी इसका टायर को जो है थोड़ा मोटा कर दिया है। पहले जो है इसमें आपको 80x100 सेक्शन का टायर मिलता था, लेकिन अभी जो है इसमें आपको 100x80 सेक्शन का टायर मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रिपिंग वगैरह के लिए काफ़ी बेटर है। रोड में जो है आपको बेटर परफॉर्मेंस इसमें मिलेगा। इसमें आपको 130 mm का जो है रेयर में
ड्रम ब्रेक मिलता है, डिस्क ब्रेक का जो है आपको इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है, रेयर में स्प्लिट में अलॉय व्हील दिया गया है, ट्यूबलेस टायर कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इसमें भी जो है आपको दिखाते हैं टायर सेक्शन, इसमें जो है आपको 80/100 सेक्शन का टायर मिलता है, जो कि इसका टायर थोड़ा पतला है SP125 से, जो कि 18 इंच के अलॉय व्हील पे माउंट है। इसमें भी आपको ब्लैक कलर का अलॉय व्हील, रेयर में जो है 130mm का ड्रम ब्रेक और ट्यूबलेस टायर कंपनी प्रोवाइड कर रही है। साइलेंसर का डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं, इसके ऊपर जो है आपको क्रोम प्लेटेड मफलर दिया गया है, काफ़ी अच्छा जो है लुक निकल के आ रहा है। इधर जो है हम लोग SP125 को देखें तो इसमें भी जो है आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन में जो है एग्जॉस्ट मिलता है, उसके ऊपर जो है क्रोम प्लेटेड मफलर दिया गया है। इस बाइक में आपको ESP टेक्नोलॉजी दिया गया है, इस बाइक में आपको किक और सेल्फ स्टार्ट दोनों का ऑप्शन दिया गया है, उसमें भी जो है आपको किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। दोनों बाइक का जो है डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, आप लोगों को जो है कौन सा बाइक का डिज़ाइन अच्छा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोनों बाइक जो है फैमिली पर्पज़ के लिए काफ़ी बेटर बाइक है, अगर आपका जो है रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा है कि आपको जो है थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, इंजन थोड़ा बड़ा चाहिए, तो आप जो है SP125 को ले सकते हैं। इसमें जो है आपको काफ़ी एडवांस में फीचर्स मिल जाता है, डिजिटल में मीटर कंसोल, LED में लाइट मिल जाता है। और अगर आप जो है थोड़ा आपका रिक्वायरमेंट कम है, आपको छोटा इंजन से भी चल जाएगा, तो आप जो है स्प्लेंडर प्लस को ले सकते हैं। इसमें जो है आपको 97.2 cc का जो है थोड़ा छोटा इंजन मिलता है, प्रॉपर जो है आपको 100 cc का भी नहीं मिलता है। इसमें अगर आप जो है डिजिटल मीटर लेना चाहते हैं तो आप जो है इसका एक्सट्रैक मॉडल भी ले सकते हैं, जिसमें कि आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा, उसमें जो है आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन SP125 में जो है आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलता है इसमें, लेकिन आपको जो है लाइट हेलोजन में ही मिलेगा। अगर आप इसका एक्सट्रैक मॉडल भी लेते हैं तो उसमें भी आपको जो है हेलोजन में लाइट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो है एक छोटा सा DRL जो है एड ऑन हो जाएगा। तो चलिए फिर आप इस जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर जो है आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपने जो है यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।